नशे से दूर रहें, युवा व फिटनेस का ख्याल रखें। सुधा भारद्वाज, पंचकुला। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन पंचकुला द्वारा पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका गार्डन में ट्राई सिटी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा व पंजाब समेत दूर दराज से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती सुधा भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता को अमन मेहता ने जीतकर मिस्टर पंचकुला का खिताब हासिल किया। इस मौके पर प्रतियोगियों को पुरस्कृत करते हुए सुधा भारद्वाज ने कहा कि आज के दौर में जहां अधिकांश युवा नशे की बुरी लत में फंसकर अपना शरीर और जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वही देखकर खुशी होती है कि हमारी आज की पीढ़ी शारीरिक फिटनेस को लेकर भी जागरूक है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से युवाओं को संदेश देना चाहती हूं कि नशे से दूर रहे और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास करें। यह तभी हो सकता है जब हमारा दिमाग और शरीर दोनों फिट रहें। नशा न केवल आपको शारीरिक रूप से बीमार करता है बल्कि हमारे शरीर को भी खा जाता है। उन्होंने कहा कि अपने आप को प्रदूषण से बचा कर रखें। स्वस्थ युवा ही एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है। आज ट्राई सिटी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है पंचकुला बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एसोसिएशन की तरफ से, जो कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें जो बच्चे हैं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और स्पेशली जो महिलाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं यही लोगों को संदेश देती हूँ कि वे हमेशा इस तरह के व्यायाम वगैरह करते रहना चाहिए और अच्छी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। तो यही मेरा संदेश है सर।